दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का सभी जगह खास महत्व माना जाता है। वहीं बात करें धार्मिक मान्यताओं की तो इनके अनुसार इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं को पूरा करके रात भर अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है, जिसकी मान्यता काफ़ी मानी जाती है। सुंदर सलोने चंद्रमा को देवताओं के समान ही पूजनीय माना गया है। वहीं आप सभी कई बार सुनते आए होंगे चंद्रमा के जन्म की कहानी। पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं कि कैसे हुआ था चंद्रमा का जन्म। ये कहानियां अलग अलग रूप में हमें सुनने को मिलती हैं। वहीं ज्योतिष के अनुसार बात करें तो ज्योतिष और वेदों में चंद्र को मन का कारक कहा गया है। वैदिक साहित्य में सोम का स्थान भी प्रमुख देवताओं में मिलता है। अग्नि, इंद्र और सूर्य आदि ऐसे देवों के समान ही सोम की स्थिति के मंत्रों को भी रचना ऋषियों द्वारा की गई है। वहीं पुराणों में चंद्रमा के जन्म की कथा भी बहुत अलग अलग है। अलग अलग कथाएं देखने को अक्सर आपको मिली होंगी। आपको बता दें कि अग्नि पुराण की कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करने का विचार किया था, तब सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों की रचना की और उनमें से एक मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ था। जी हाँ, जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम तीन पुत्र हुए थे। सोमचंद्र का ही नाम है। पद्म पुराण में चंद्र के जन्म का अन्य वृतांत भी दिया गया है। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी थी। महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नाम का तप आरंभ किया था और तप काल में एक महर्षि के नेत्रों से जल की कुछ बूंदें टपक पड़ी थीं, जो बहुत ही प्रकाशमय थीं। वहीं दिशाओं में स्त्री रूप में आकर पुत्र प्राप्ति की कामना से उन बूंदों को ग्रहण कर लिया गया, जो उनके उदर में गर्भ के रूप में पनप गईं। परंतु उस प्रकाशमान गर्भ को दिशाएं धारण ना कर सकी और त्याग दिया। उस त्यागते हुए गर्भ को ब्रह्मा ने पुरुष रूप दे दिया, जो चंद्रमा के नाम से प्रख्यात हो गए। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों आदि ने उनकी स्तुति की और उनके तेज से पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हो गईं। ब्रह्मा जी ने चंद्र को नक्षत्र, ब्रह्मांड, वनस्पतियों और तप का स्वामी नियुक्त कर दिया। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार आपको बता दें कि जब देवों और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया था तो उससे 14 रत्न निकले थे और उन 14 रत्नों में से चंद्रमा एक थे, जिसे लोक कल्याण के लिए उसी मंथन से प्राप्त कालकूट विष को पी जाने वाले भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया और ग्रह के रूप में चंद्र की उपस्थिति मंथन से पूर्व ही सिद्ध होती है। वहीं स्कंद पुराण के ही माहेश्वर खंड में गंगाराचार्य के समुद्र मंथन का मुहूर्त निकालते हुए देवों ने कहा था कि इस समय सभी ग्रह अनुकूल हैं, चंद्रमा से गुरु का शुभ योग है, तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए चंद्र बल उत्तम है, ये गोमंत मुहूर्त तुम्हें विजय देने वाला है। ये संभव है कि चंद्रमा के कई अंशों का जन्म कई कालों में हुआ। चंद्र का विवाह दक्ष प्रजाति की नक्षत्र रूपी 27 कन्याओं से हुआ, जिससे अनेक प्रतिभाशाली पुत्र हुए और इन्हीं 27 नक्षत्रों के भोग से एक चंद्रमास पूर्ण होता है। तो दर्शकों, ऐसे हुआ था चंद्रमा का जन्म। अलग अलग पुराणों के अनुसार चंद्रमा की अलग अलग जन्म की कथाएं हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से प्रांशी की रिपोर्ट।